इंसान बहसियत खलीफ खुदा मैन एज ए वाइस रेंट ऑफ आलमाइटी गॉड सूरत अल बकरा वर्स 30 वाइज काल रब्बुक लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। रसूल वक्त याद करो जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा था कि मैं अपना नायब अपना वाइस रेंट बना के जमीन पे भेजने लगा। इंसान बहसीत खलीफा यानी खिलाफत वाइस रेंसी नियाबत इतना बड़ा रैंक है कि इसके और खुदा के दरमियान में कोई रैंक नहीं है। इंसान का इमीडिएट बॉस फिर अल्लाह पाक होगा। और इस खिलाफत का के तीन लेवल है। खिलाफत का पहला लेवल नबुव्वत, अंबिया सबसे बड़े खलीफे अल्लाह पाक, दूसरे नंबर पर हेड ऑफ द स्टेट्स, और तीसरे नंबर पर हम में से हर एक खलीफा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अर्रियते बुखारी मुस्लिम की हदीस। उनमें से हर एक खलीफा है, हर एक इंचार्ज है, हर एक नगेबान है, उसके उसके इख्तियार के बारे में पूछा जाए। यानी ये जो रैंक होता जितना किसी का रैंक होता होता है उतनी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। हिफाजत अजसाद अंबिया डिवाइन सिक्योरिटी फॉर द बॉडीज ऑफ द प्रॉफेट। अल्लाह पाक ने जो इंसानों की हिदायत के नुमाइंदे हैं 124 अंबिया उनके जिस्मों की कयामत तक हिफाजत की जिम्मेदारी ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा हर्रमा अल अर्ज अन ताकुल अजसाद अल अंबिया इंडीड गॉड ऑलमाइटी हैज प्रोहिबिटेड फॉर द सॉइल टू इरेज द बॉडीज ऑफ द प्रॉफेट। अल्लाह पाक ने मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को इरेज करे। यानी जो इंसानों की जो नुमाइंदगी करने वाले हीरो हैं, जो रहनुमाई देने वाले सितारे हैं, 124,000 सूरज है, आफ्ताब है, उनके जिस्म इवन उनके विसाल के बाद भी कयामत तक सलामत रहेंगे।